नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मंडी बाजार भाव अपडेट पर। आज हम बात करने वाले हैं किसान साथियों सोयाबीन आयात और निर्यात के बारे में। विस्तार से बात करेंगे किसान साथियों कि आयात और निर्यात से सोयाबीन में कितना फर्क हमें देखने को मिलता है। अगर सोयाबीन का आयात हुआ तो यानी कि मार्केट सोयाबीन का कितना डाउन हमें देखने को मिल सकता है, कितनी गिरावट देखने को मिल सकती है किसान साथियों, इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पूरा देखने के बाद अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना किसान साथियों। सबसे पहले हम बात करें किसान साथियों यानी कि जब पोल्ट्री इंडस्ट्री ने सरकार से 12 लाख टन सोयाबीन आयात करने की मांग की थी तो सरकार ने उस टाइम पर परमिशन भी देती थी किसान साथियों। पर उस जब पर सरकार ने परमिशन दी थी तो यानी कि जब सरकार ने बोला था कि पोल्ट्री इंडस्ट्री से कि आपको यानी कि 31 जनवरी तक यानी कि जो 12 लाख टन सोयाबीन कर आयात करने की जो परमिशन आप ले रहे हो इसको पूरा कर लेना है आपको, यानी कि पोल्ट्री इंडस्ट्री 12 लाख टन पूरा सोयाबीन आयात नहीं कर पाई है किसान साथियों। और जो उसकी समय सीमा थी वो 31 जनवरी लास्ट थी। तो यानी कि जो पोल्ट्री इंडस्ट्री की अब क्या मांग है वो मैं आपको बताता हूँ। पोल्ट्री इंडस्ट्री की ये मांग है कि जो 5.5 लाख टन सोयाबीन और बचा है उसको हम आयात करना चाहते हैं। तो पोल्ट्री इंडस्ट्री सरकार से बार बार मांग कर रही है कि हमें परमिशन दे वापस, यानी कि जो आयात की समय सीमा है उसको और बढ़ाया जाए, 2022 तक उसको और बढ़ाया जाए आगे तक। तो सरकार ने इसके बारे में साफ मना कर दिया है। अभी तक सरकार ने इसके यानी कि उनके पक्ष में कोई फैसला नहीं लिया है कि आपको आयात करने की हम परमिशन दे रहे हैं, यानी कि अभी सरकार की तरफ से कोई निर्णय नहीं लिया गया। और एक बात और बता दूं किसान साथियों में सीधी सीधी भाषा में कि यानी कि जो सोपा का यह कहना है कि अपने हिंदुस्तान में इतना सोयाबीन है तो आपको विदेशों से आयात करने की कहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि यहाँ अपनी जो डिमांड है हिंदुस्तान की वो हिंदुस्तान की सोयाबीन से आसानी से पूरी हो जाती है, तो हम विदेशों से यानी कि सोयाबीन का आयात क्यों करें। वहीं बात करें किसान साथियों, पिछले साल हमें सोयाबीन के जो भाव देखने को मिले थे हाई लेवल पर, उसका कारण सबसे बड़ा कारण ये था कि जब यानी कि जो अपना हिंदुस्तान है इसने क्या विदेशों में सोयाबीन का निर्यात किया था किसान साथियों, लगभग 15 से 20 लाख टन के आसपास सोयाबीन का निर्यात भारत ने किया था। तो इस वजह से भारत के पास सोयाबीन की थोड़ी कमी हमें देखने को मिली थी। और जब यानी कि सोयाबीन की बुआई का टाइम आया तो यानी कि उस टाइम पर यानी कि सरकार ने परमिशन नहीं दी जब किसान साथियों को बीज की सख्त ज़रूरत थी, यानी कि सरकार ने उस टाइम पर सोयाबीन आयात करने की परमिशन दी जिस टाइम पर सोयाबीन बुआई हो चुकी थी उसके बाद में। यानी कि सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए था, अगर सरकार को आयात करना ही था तो सरकार को उस टाइम पर आयात करना चाहिए था जिस टाइम को यानी कि जिस समय पर किसानों को सोयाबीन बीज की ज़रूरत थी, सोयाबीन बीज की डिमांड थी, उस टाइम पर सोयाबीन यानी किसानों को इतना महंगा सोयाबीन बीज लेकर बुआई नहीं करनी पड़ती, उनको बीज थोड़ा सस्ते में मिल जाता। वहीं बात करें किसान साथियों तो यानी कि कुछ कृषि एक्सपर्ट का मानना है कि सोयाबीन वापस नीचे आएगा, यानी कि सोयाबीन का मार्केट हमें वापस नीचे देखने को मिलेगा, वापस गिरावट देखने को मिल सकती है। इसका कारण ये है कि जो ब्राज़ील है, अमेरिका है, यहाँ पर सोयाबीन का अच्छा उत्पादन हुआ है। कुछ कृषि एक्सपर्ट बताते हैं कि अच्छा उत्पादन नहीं हुआ है, कुछ कृषि एक्सपर्ट बताते हैं कि अच्छा उत्पादन हुआ है, यानी कि मतलब क्या बताऊँ आपको। ऐसे में अगर किसान साथियों हम मान लेते हैं कि यहाँ पर अच्छा उत्पादन हुआ है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्यों नहीं पड़ेगा ये मैं आपको बता दूँ। तो ये है कि अगर सरकार विदेशों से यानी कि अगर आयात करेगी नहीं तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात ये है किसान साथियों कि अगर मान लो सरकार जो 5.5 लाख टन सोयाबीन बचा हुआ है उसका मतलब आयात करने की परमिशन दे भी देती है तो फिर ज़रूर अपने जो हिंदुस्तान का सोयाबीन है इसमें हमें गिरावट देखने को मिलेगी किसान साथियों। इसका कारण ये हो जाएगा कि जो विदेशों से जो भी माल आयात होगा वो क्या हिंदुस्तान की अपेक्षा वो सस्ते में यहाँ पर एक्सपोर्ट होगा किसान साथियों, सस्ते में यहाँ पर एक्सपोर्ट होगा, यानी कि 15 से 20 हज़ार रुपये प्रति टन का फर्क देखने को मिलता है किसान साथियों अगर विदेशों से सरकार आयात करती है तो। ऐसे में हिंदुस्तान का सोयाबीन का मार्केट थोड़ा गिर सकता है हमें, तो यानी कि 6,000 तक देखने को मिल सकता है अगर आयात करती है तो।
अगर आयात नहीं किया किसान साथियों तो सोयाबीन का मार्केट आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा, इसमें दिनों दिन आपको काफ़ी तेज़ी देखने को मिलेगी किसान साथियों। ये थी आज की जानकारी किसान साथियों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना किसान साथियों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।